नमस्कार दोस्तों, हम राम कलश यादव। दोस्तों, मैं प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूँ, दूध डेयरी में जब हम अपना दूध देने जाते हैं तो सैंपल निकाला जाता है छोटी डिब्बी में। छोटी डिब्बी में जब सैंपल निकालते हैं तो छोटी डिब्बी भर जाती है, तो उस दूध को थोड़ा बाल्टी में गिरा लेते हैं। तो आज हम बताएंगे कि इस सैंपल को अगर हम बाल्टी में गिरा लेते हैं तो किसान जो दूध होता है सैंपल निकालते हैं उस फैट पर क्या असर पड़ता है, कम होता है या नहीं होता है, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक पर कि जब भी आप देखते हैं कि छोटी डिब्बी में दूध निकाला जाता है और सैंपल जो है लगाने के लिए जैसे ही सोचते हैं कि लगाया जाए तभी जो है डिब्बी को भर लेते हैं, भरने के बाद उसे हम बाल्टी में गिराते हुए देखते हैं, तो उससे क्या है, आप लोग पता होगा कि दूध में जो है फैट और एसनेफ की मात्रा देखा जाता है। फैट घी होता है और एसनेफ पाउडर होता है। घी हमेशा ऊपर रहता है, जैसे अगर दूध निकाल कर गए छोटी डिब्बी में रख लेते हैं फिर जो है अगर हम दूध को गिराते हैं तब क्या है घी की मात्रा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जब भी दूध लिया जाता है तो हिला कर लिया जाता है तो फैट और एसनेफ दोनों मिक्स हो जाता है, जिससे आपके दूध में क्वांटिटी कितना है फैट का वो कंप्लीट आता है। लेकिन जैसे हिलाने के बाद छोटी डिब्बी में दूध भर लेते हैं और उसको हम लगाने से पहले सैंपल लगाने से पहले उस डिब्बी को टेढ़ा करके बाल्टी में गिरा लेते हैं, तो गिराने की वजह से फैट जो है कम हो जाता है, क्योंकि दूध का जो फैट होता है ऊपर ही रह जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप दूध डेयरी चला रहे हैं, अगर आप किसान हैं दूध डेयरी में दूध अपना दे रहे हैं तो इतना आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी ऐसा हो तो आप उन्हें मना कर सकते हैं कि हमारा जो दूध है आप लें तो इसे उतना ही उसमें डिब्बे में भरें जितनी आपकी आवश्यकता हो, लेने के बाद आप इसे जो है बाल्टी में नीचे ना गिराएं। अगर ऐसा करते हैं तो उससे कम हो जाता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों, वीडियो वॉच।